गुड़ा मालानी में कल से सोशल मीडिया पर एक दल्ला राम देवासी नामक व्यक्ति के मौत का मामला गरमाया हुआ है। बताया जा रहा है कि देवासी रेबारी राई का समाज की गुड़ा मालानी में मीटिंग थी। मीटिंग के दौरान दल्ला राम, जो मृतक जिनके नाम पर विवाद हो रहा है, वो सामान्य पेशाब करने के लिए उस मीटिंग से साइड में गए, लेकिन वहाँ कोई पुल है और जिसमें पानी नहीं था, ध्यान नहीं रखा, पैर फिसलने से पुल में गिर गए और पुल खाली था, तो खाली पुल होने के कारण आंगन पर ज़ोरदार चोट आई सिर में, और फिर सामान्य रूप से गुड़ा मालानी अस्पताल में प्राथमिक उपचार करवाया, लेकिन गंभीर चोटें होने के कारण उनको जोधपुर रेफर कर दिया गया। तो इनके भाई है बीरमा राम, चैना राम, बाबूलाल भाणेज, चौगा राम, लस्सा राम, ये परिजन लेकर के गए, और मृतक दल्ला राम के पुत्र मोडा राम है, ये सारे एम्बुलेंस द्वारा जोधपुर गए। परिजनों का आरोप है कि रास्ते के अंदर एम्बुलेंस को गाड़ियों द्वारा रोकाया गया और रोकने के बाद में देरी होने के कारण जोधपुर जाते जाते रास्ते के अंदर गंभीर रूप से घायल थे, बेहोशी की स्थिति में जोधपुर अस्पताल लेके गए, वहाँ डॉक्टर ने इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। तो ये जो मामला है, दो दिन से सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, परिजनों की रिपोर्ट आप खुद सुने। ये सभी परिवार के लोग जी, ठीक है। फिर आप जब वो एक मारे भी भाड़े थे, क्या हुआ? वो मारे एक भाड़े भी बताए मेरे परिवार को। आप जब एम्बुलेंस में घायल को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में एक हमारे बालोत्रा बाईपास पे पीछे से एक बोलेरो गाड़ी आई, बिना नंबर की गाड़ी थी, उसने रुकवाया। मैं बोला आप आदमी को, कौन आदमी है, किसको लेके जा रहे हो, आप अपना मार के लेके जा रहे हो? तभी परिवार साथ में नहीं है, ये आपका परिवार साथ में नहीं है, तभी इनका लड़का जो मनोज कुमार जो मोटा राम हो गया, अपना गाड़ी से नीचे उतरा और वो बोला कि मेरा पिताजी है, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, आप कौन हो? तभी अपना उसने कोई फोन पे बोला कि अपना किसी को फोन पे बोला कि मैं बालोत्रा बाईपास पे गाड़ी रुकवाया हूँ, आप आ जाओ। किसको फोन पे? जो गाड़ी रुकवाया था ना, उसी बंदे ने कोई दूसरे बंदे को फोन किया, फोन पे उसको बोला कि भाई मैंने बालोत्रा बाईपास पे गाड़ी रुकवाया है, आप आ जाओ। कितनी देर तक ये गाड़ी रुकी रही? कम से कम 15 से 20 मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में फिर वहाँ से हम निकले, तभी एक पीछे से इनोवा गाड़ी आई जिसके नंबर थे RJ04TA6002। वो गाड़ी पीछे से आई और एम्बुलेंस के पीछे पीछे 10 किलोमीटर तक चली। उसने एम्बुलेंस के पीछे से वीडियो भी बनाया और अपना वो गाड़ी अपना यहाँ हॉस्पिटल तक साथ में आई, और वो शाम को अरे अपना सुबह तक हॉस्पिटल के आगे खड़ी थी। और वो हॉस्पिटल आप घायल को लेकर आए तो क्या हुआ था? हॉस्पिटल में जब घायल को लेकर आए दल्ला राम को तो क्या हुआ? तभी अपना वहाँ दो तीन बंदे इनके खड़े थे, वो अपना वीडियो उतारने लगे और अपना हमने पूछा कि आप अपना कौन हो? तो वो बोला कि आप इनको मार के लेके आए हो। तभी इनका जो लड़का है मोटा राम, वो बोला कि मैं अपना मेरे परिवार है, मेरे पिताजी को मैं लेके आया हूँ, आप कौन हो? तभी वो वहां से निकल गए। डॉक्टर ने क्या कहा घायल को देखकर? डॉक्टर ने अपना जो अंदर एडमिट करके अपना जो उसका ट्रीटमेंट करके उसकी जांच करवाई, उसी टाइम उसने बोला कि भाई आदमी बेहोश है, अरे अपना वो आदमी ऑफ हो गया। डॉक्टर ने आप कहना चाह रहे कि डॉक्टर ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया? हाँ, जैसे ही आप अस्पताल में पहुंचे थे डॉक्टर ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया? जी जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम चौगा राम देवासी। आप दल्ला राम जी क्या लगता है? मैं उनका भांजा लगता हूँ। आपके परिचय बताइए। मेरा नाम बीरा राम जी। आप क्या लगते हैं भाई दल्ला राम? और आपका क्या नाम? मोटा राम देवस। मेरा नाम है, मैं उनका लड़का। इसमें के विष्णुई का भी नाम लिया गया, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, और बेफालतू का वीडियो ये सब ये राजनीतिक माहौल बनाने के लिए सब किया जा रहा है, कोई किसी की गलती नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं वो सब एकदम गलत है। आपका परिचय? मेरा नाम मोटा राम देवस। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका पुत्र हूँ। ठीक है, क्या हुआ था?
कल क्री रिसोर्ट में मीटिंग के दौरान उधर मेरे पिताजी भी आए हुए थे और खाना खा के उधर बैठे थे और बाद में मीटिंग की ओर जाने के लिए खड़े हुए थे तभी अचानक नीचे गिर गए। तो वहाँ स्विमिंग पूल का जो गड्ढा था उसमें गिर गया, तो उसमें गिरने की वजह से चोट लग गई। बूढ़ा मालानी लेके गए, वहाँ से फिर इलाज के लिए जोधपुर लेके आ रहे थे। इस रास्ते में रास्ता रोक कर इलाज में देरी करवाई जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई और फिर बाद में पीछे भी आके हॉस्पिटल में वीडियो वगैरह लिया, ये सब किया, कुछ बदनाम करने की साजिश की गई और ये